मील्स आपके हो सकते हैं। देन आपके हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक वन ग्लास ऑफ शुगरलेस मिल्क एंड सैंडविचेस, टू ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस यू कैन हैव, एंड फ्रेश वेजीज हो सकते हैं आपके, फ्रूट्स आपका हो सकता है, लाइक मसाला डोसा, नॉट स्पाइसेस वगैरह इंक्लूडेड, बट नॉर्मली आप हल्का सॉल्ट के साथ में या फिर ब्लैक पेपर के साथ में यू कैन हैव, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन फ्रूट, वन बोल आप फ्रूट या आप नट्स वगैरह यूज कर सकते हो, लाइक जो भी आप अभी यू वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन ना, या तो नट्स वगैरह आप नॉट डायरेक्ट फॉर्म में कंज्यूम करने के बजाय आप सोक करके उसको ले लीजिएगा, बिकॉज खाली फाइबर होगा इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, एंड नॉट हेल्दी ऑप्शंस आपके क्या क्या हो सकते हैं, लाइक डीप फ्राइड फूड्स या आपका शुगरी डोनट्स हो गया या वन स्कूप ऑफ आइसक्रीम्स हो गया। ठीक है, या फिर रॉ एग या फिर हाफ फ्राई एग्स आपके नॉट हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं। देन या गोलगप्पा आल्सो नॉट सो हेल्दी ऑप्शंस। ठीक है, देन फूड पिरामिड इन प्रेगनेंसी, बिकॉज़ ये आपको ओवरऑल ध्यान रखना होता है कि इसको आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा। या देन मॉर्निंग के टाइम पर ही उसको लेने का कोशिश करेगा,
नॉट इवनिंग के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मिड मॉर्निंग में कुछ नहीं ले पाते हैं, बट वो नाइट में उनको वो ये सोचते हैं कि हल्का फुल्का खा करके हम सो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली आपको डाइट लेना है, लाइक 2000 कैलोरीज आपको पर डे लेना है। वो आप कैसे पूरी करोगे, आपको तो नहीं पता है कि 2000 कैलोरीज हमारा नीड कैसे कम्प्लीट होगा। तो उसके लिए आप कोशिश करेगा कि अपना एक मील प्रॉपरली लीजिएगा, ठीक है। खाने पर थोड़ा सा खाते भी मन नहीं करता, नहीं मन करता तो आप सूप्स वगैरह यू कैन हैव, वो आप ले लीजिएगा। बट जब भी आप अपना एक टाइम सेट करके चलेंगे, लाइक आपको इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, नेक्स्ट आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स यू कैन हैव, वो आपको लेना है, तो आपको एक हैबिट हो जाएगा। शरीर की बॉडी कहती है कि भूख लगी है, खाने बैठते हैं तो थोड़ा सा खाने का होता है कि हटाओ उसे नहीं खाना। ओके, तो उस सिचुएशन में आप सूप्स वगैरह यू कैन हैव, वो आप ले सकते हो, या दम बनगोल दाल का जरूर लीजिएगा, नॉट चपाती वगैरह या फिर राइस वगैरह लेने के बजाय अपने मील को कम्प्लीट आपको करना है, ठीक है। देन आपको प्रिकॉशंस क्या क्या रखना होगा, लाइक ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ यू शुड अवॉइड ईट सी फूड्स, सॉफ्ट चीज, लाइक जो भी आप घर पर अगर बनाते हो, लाइक मक्खन होता है बटर, घर का बटर थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा, ठीक है। देन आपको कोई भी पैकेज कैन फूड एंड प्रोसेस्ड फूड ऑल्सो यू अवॉइड, ठीक है। देन अब मील पैटर्न का बात आता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको 1900 कैलोरीज एंड 75 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। देन उसमें आपका अर्ली मॉर्निंग में कोकोनट वाटर यू कैन हैव, वो आप ले सकते हो, या 3-4 एलमंड्स यू कैन हैव। देन ब्रेकफास्ट आता है 1 ग्लास ऑफ मिल्क यू कैन हैव, या पनीर सैंडविचेस विद ब्राउन ब्रेड के साथ में 2 स्लाइसेस, या मिल्क पॉरेज यू कैन हैव 1 स्पून, दैट्स इट। देन मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट्स वगैरह यू कैन हैव, लाइक ऑरेंज, बेरीज, एप्पल, वो आप ले सकते हो, इट्स अ हाई फाइबर, ठीक है। देन लंच में आप चपाती, बनगोल दाल, बनगोल वेज, बनगोल सैलड्स यू कैन हैव। देन इवनिंग स्नैक्स लाइक रोस्टेड चना अपने पास रेडी टू ईट रखेगा, जो इजीली आप कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या हेल्दी ऑप्शन रख सकते हैं, लाइक रोस्टेड चना यू कैन हैव, नॉट पैकेट वाले, जो नॉर्मल फ्रेश जो रोस्टेड होते हैं वो आप रख सकते हैं, हल्के से सॉल्ट के साथ में वो आप रख लीजिएगा। वो अगर नहीं है तो आप मखानास वगैरह यू कैन हैव, वो आप रख सकते हो। देन इवनिंग में आप कोई भी सूप्स वगैरह यू कैन हैव, लाइक वेजिटेबल सूप, दाल सूप, कोकोनट वाटर, कुछ भी आप ले सकते हो इवनिंग में, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए डिनर से पहले पहले, ठीक है, जिससे आप अपना प्रॉपर डिनर कर सकें। मैम जो चने हैं चपाती, बनगोल दाल, बनगोल वेज, अगर या फिर आपका खाना खाने का मन नहीं है, चपाती वगैरह आपको कंज्यूम नहीं करना है, तो आप ओट्स दलिया यू कैन हैव, मल्टीग्रेन दलिया वो आप ले सकते हो। देन बेड टाइम पे आपका 1 ग्लास ऑफ मिल्क, टोन मिल्क, ठीक है, वो आप ले सकते हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ये आपको अवॉइड करना होगा।
देन मी या होममेड बटर अवॉइड करना मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था या होममेड बटर जो बोला था हां हां वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको चीज और सॉफ्ट चीज अवॉइड करके चलना होगा ठीक है मैं बिल्कुल बिल्कुल कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है गॉट यू कैन हैव बट आई मीन यू कैन हैव वो आप ले सकते हो नो इशू वो आप मिड मॉर्निंग में लेने का कोशिश करिएगा नॉट इवनिंग के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पे वो आप मिड मॉर्निंग में लेते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा नो इशू नाइट के टाइम की कोकोनट वाटर ले सकते नाइट में आप कोकोनट वाटर यू कैन हैव वो आप ले सकते हो अगर आपको लाइक वो आप खाना जब भी डिनर करते हैं तो आप उसमें यू मेक श्योर कि आपका प्रॉपर मील होना चाहिए उसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक मील स्किप कर दिया है या फिर आपको नॉर्मली आप बटर मिल्क ही ले रहे हैं इस तरह से नहीं करना है या अगर आपका चपाती खाने का मन नहीं होता है तो आप बन या टू बोल डालकर जरूर ले सकते हैं ठीक है देन मील पैटर्न आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको 2000 कैलोरीज एंड 80 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको लेना ही लेना है देन उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं लाइक अर्ली मॉर्निंग लेमन वाटर यू कैन हैव एंड आपका 3 to 4 एलिमेंट्स ठीक है सो कैलोरीज देन आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे 1 glass ऑफ मिल्क एंड एग वाइट आल्सो यू कैन हैव 2 egg ठीक है एंड मल्टीग्रेन ब्रेड 2 slices ओनली इनफ है एंड मिड मॉर्निंग के टाइम पे आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो ठीक है वो आपका 100 ग्राम तक का ही होना चाहिए एंड आप स्प्राउट्स वगैरह यू कैन ठीक है देन आपका लंच में आपका 2 chapati 1 bowl दाल 1 bowl वेज 1 bowl सैलेड अगर इतना भी लेने के बाद अगर आपको हंग्री फील होता है लगता है कि मुझे और नीड है फिर आप चपाती की क्वांटिटी 2 ही रखिएगा लाइक पल्सेस ज्यादा ले सकते हो या फिर वेजिटेबल्स आप ज्यादा ले सकते हो देन इवनिंग स्नैक्स में कोई भी वेजिटेबल पोहा आपने बनाया उसमें खूब सारा वेजिटेबल्स ऐड करिएगा जिससे उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाए या आप सूजी या फिर ओट्स का चीला ले लेना है ठीक है देन डिनर के टाइम पे आपने 2 chapati 1 bowl दाल 1 bowl वेज या अगर वो भी नहीं ले पा रहे हो तो आपने खिचड़ी वगैरह वेजिटेबल खिचड़ी ले लेना वो आप बना नॉट थिक फॉर्म में थोड़ा हल्का वॉटरिश फॉर्म में उसको बनाएगा जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए अब ये फ्रूट्स से अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग ना लेकर के आप कोशिश करिएगा कि आप मिड मॉर्निंग के टाइम पर उसको ले लीजिएगा अर्ली मॉर्निंग आप कोकोनट वाटर ले सकते हो नो इशू एंड नॉट टेट्रा पैक जूसेस वगैरह लेने के बजाय वो भी आप अवॉइड करिएगा फर्स्ट मील ही आपका फ्रूट होता है आप उसमें आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं लेमन वाटर यू कैन हैव या फिर कोई भी कोकोनट वाटर फ्रेश कोकोनट वाटर नॉट टेट्रामेट वो आप यूज कर सकते हो ठीक है देन आपका हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए लाइक पॉजिटिव थिंकिंग फील गुड एंड ईट बेटर एंड एक्सरसाइज ऑल्सो ठीक है प्रॉपरली आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा लाइक हेल्दी प्रेगनेंसी